मेरे में लोग हाउस बोट करते हैं, पूरे आईसीयू जो है सब गांव के सब जिलों के सब हॉस्पिटल्स के जो सरकारी नहीं है वो जो प्राइवेट सेक्टर्स के वो सब मेरे बीएमएस और बीओएमएस भाई संभालते हैं। अगर इन सबको ताला लग गया तो इस देश का क्या होगा, इस देश के आरोग्य व्यवस्था का क्या होगा। मैं यही बात मोदी जी से कहना चाहता हूँ, यही बात मैं उनकी नजर में लाना चाहता हूँ। और दोस्तों आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, ये तो आगाज है, आगाज कर लिया हमने अंजाम तक जाना है, आगाज कर लिया हमने अंजाम तक जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इंटीग्रेशन को लाना है। दोस्तों नीमा का हर वर्कर, मेरे नीमा के लीगल सेल, नीमा का हर ब्रांच, हर ब्रांच का सिपाही, ये सब लोग इसी काम में लगे हुए हैं। हम लोग दिन रात काम करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के वास्ते। हमें कोई भी पॉलिटिकल ये नहीं है, किसी हमको ना कोई पोस्ट चाहिए, ना कोई हमको गवर्नमेंट में कुछ चाहिए, ना हम किसी नॉमिनेशन के भूखे हैं, ना किसी नॉमिनेशन के मोहताज है। मेरे आईएसएम ग्रेजुएट के मांगों के लिए मेरे नीमा का सिपाही अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। दोस्तों ये जो आज की शुरुआत हुई है, आज यहाँ से रैली खत्म होने के बाद ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये तो आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ से अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो हम ये आंदोलन और तीव्र करने जा रहे हैं और उसको पुख्ता करने जा रहे हैं और ताकतवान करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों इसलिए ये लड़ने के लिए आप सब मेरी ताकत हो, आप सब नीमा की ताकत हो। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो प्यार, जो भरोसा, जो एकता आपने दिखाई है इसी को बरकरार रखना है। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही पैगाम आपको देकर जा रहा हूँ, यही पैगाम मैं आपसे लेकर जा रहा हूँ। ये यूनिटी है, ये एकता है, ये स्ट्रेंथ है, हम लोगों को दिखानी है, हम लोगों को कायम रखनी है। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे अधिकार लिए बगैर हम लोग अब नहीं रुकेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय नीमा। धन्यवाद हमारे डायनेमिक प्रेसिडेंट डॉक्टर वीडी तेंदुलकर, डॉक्टर वीडी तेंदुलकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां।